नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू दिशा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पहले की तरह फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। 2019 में जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं उनसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने छांट के बनाए हैं जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं इस पैटर्न के। देखिएगा, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट होता रहूं और आगे के लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रीतिजकर ऑक्टी टेक्चर अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आरती इसुजाकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? इसका पहला ऑप्शन है हिलेरी मेंटल, दूसरा रिचर्ड फ्लानागन, तीसरा ऑप्शन है जोखा अलार्थी, चौथा ऑप्शन है एना बन्नस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जोखा अलार्थी को 2019 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? पहला ऑप्शन दिव्या कनाड, दूसरा मार्लोन कैटन, तीसरा पॉल वेट्टी, चौथा अरविंद अडिगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? दिव्या कनाड। दिव्या कनाड को ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड दिया गया है 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवल पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? विलियम गोल्डिंग को ऑप्शन पहला, दूसरा डेविड स्टोरी, तीसरा पॉल स्टॉक और चौथा ऑप्शन करेन उलेन वेक को। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? करेन उलेन वेक को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 किस भारतीय पत्रकार को दिया गया है? पहला ऑप्शन अंजना ओम कश्यप, दूसरा रवीश कुमार, तीसरा विकास पुरी, चौथा सुभाष चंद्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रवीश कुमार। आपको पता होगा ये एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार हैं रवीश कुमार, उनको 2019 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोमोरोस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से किसे सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन श्री रामनाथ कोविंद, दूसरा वेंकैया नायडू, तीसरा नरेंद्र मोदी, चौथा राजनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो अपने भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं उनको दिया गया है। आपको पता होगा जो पहला ऑप्शन श्री रामनाथ कोविंद हैं, अपने भारत के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, और नरेंद्र मोदी के बारे में आप जानते ही हैं कि अपने भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका पूरा नाम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, और राजनाथ सिंह के बारे में आप जानते ही हैं कि वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं और इसके पहले पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित कला निधि पुरस्कार 2019 निम्न में से किसे दिया गया है? पहला ऑप्शन एस सौम्या, दूसरा मनीष भवानी, तीसरा महिपाल शर्मा, चौथा ऑप्शन कविता जैन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? एस सौम्या को दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल न्यू दिशा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी मंडेला शांति पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो पहला ऑप्शन प्रणब मुखर्जी, दूसरा अभिनंदन वर्धमान, तीसरा शिवानी जाधव, चौथा डॉक्टर अच्युता सावंत। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डॉक्टर अच्युता सावंत को दिया गया है गांधी मंडेला शांति पुरस्कार 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? श्री रामनाथ कोविंद जी को, एम वेंकैया नायडू को और नरेंद्र मोदी को, पीयूष गोयल को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जायद मेडल 2019 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेंट एंड्रयू अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? यानी जो रूस का सर्वोच्च सम्मान है वो सेंट एंड्रयू है, और जिसे सम्मानित किया गया है हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी को। अब राजनाथ सिंह के बारे में हम आपको बता ही दिए थे, श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि श्री निर्मला सीतारमण वर्तमान में कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार 2019 निम्न में से किसे दिया गया? पहला ऑप्शन सरदार सिंह, दूसरा सुनील छेत्री, तीसरा मनवीर सिंह, चौथा मनीष यादव। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सुनील छेत्री। सुनील छेत्री जी को 2019 का फुटबॉल रत्न पुरस्कार दिया गया है। निम्न में से किसे अमेरिका द्वारा दिए जाने वाले कर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन श्री नरेंद्र मोदी, दूसरा राजनाथ सिंह, तीसरा पीयूष गोयल, चौथा ऑप्शन रामनाथ कोविंद। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी को कर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पीयूष गोयल हमारे भारत सरकार में कौन से मंत्री पद पर अभी वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मटेरियल रिसर्च के लिए पहले शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन प्रोफेसर सी एन आर राव को, दूसरा रामेश्वर अय्यर, तीसरा सतीश कलानिधि, चौथा ऑप्शन मणिशंकर हसन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रोफेसर सी एन आर राव को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 का खिताब किसे मिला है? कविता यादव, दूसरा ऑप्शन प्रिया सेराव, तीसरा मीनाक्षी यादव, चौथा ऑप्शन अनीता शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा प्रिया सेराव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2019 विजेता कौन है? पहला ऑप्शन सुमन राव, दूसरा अंजलि भार्गव, तीसरा ऑप्शन दीपिका रावत, चौथा ऑप्शन मोनिका यादव। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सुमन राव को सम्मानित किया गया है फेमिना मिस इंडिया से 2019 के। फेमिना मिस ग्रेट इंडिया 2019 का खिताब किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? शिवानी जाधव। शिवानी जाधव को फेमिना मिस ग्रेट इंडिया 2019 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91वां ऑस्कर अवार्ड 2019 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे दिया गया? ग्रीन बुक को, द शेप ऑफ वाटर, ब्लैक डायमंड, लिटिल बॉय। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ग्रीन बुक। ग्रीन बुक को 91वां ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगर आप वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72वें बाफ्टा अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? पहला ऑप्शन राजीव फिल्म को, दूसरा केदारनाथ को, तीसरा रोमा को, चौथा ब्लैक बॉक्स को। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? रोमा फिल्म को दिया गया है बाफ्टा अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? पहला ऑप्शन अंधाधुन, दूसरा राजी, तीसरा बदायूं, चौथा अधूरी ग्रहण। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अंधाधुन फिल्म को 66वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 64वें फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? पहला ऑप्शन संजू फिल्म को, दूसरा मिशन मंगल को, तीसरा राजी को, चौथा पैडमैन को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजी फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वें आईफा अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे दिया गया? पहला ऑप्शन राजी फिल्म को, दूसरा अंधाधुन को, और तीसरा बधाई हो, चौथा पैडमैन को।
इसका सही आंसर क्या होगा? राजीव फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन प्रणब मुखर्जी, दूसरा विराट कोहली, तीसरा अमिताभ बच्चन, चौथा लाल कृष्ण अडवाणी। तो आपको पता होगा कि हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2019 में भारत रत्न पुरस्कार किस किस को मिला है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो ऐसे ही हम मोटिवेट होते रहेंगे और इससे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे जो रेलवे NTPC और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको हमारे चैनल पर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि हम मोटिवेट और हों। थैंक्स।